आंख के आन्हर पूछत बारे यूपी में काबा, सैया के छूटल नौकरी तब बबुनी भी कहे लगनी आई हो बाबा। तीन दिन में तीन तमाशा, बस कोर्ट से बचल आशा, ससुर दौड़े कोर्ट कचहरी, सास सुनतैनी ताना, जाई पड़ी थाना। नेहा के सुरखाली ताल अखिलेश के यूपी में काबा पर जवाब रवि किशन के सुनते ही बोले वाह जी वाह। जब कानपुर में घर गिरा तभी नेहा सिंह राठौर ने ये मन बना लिया था कि इस पे गाना बनाऊंगी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि गाने के चक्कर में थाने भी जाना पड़ सकता है। ये तो आपको भी पता है कि नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाना गाया तो पुलिस उनके घर पे नोटिस लेके पहुंच गई, लेकिन जो नहीं पता वो ये है कि नेहा के पति की नौकरी भी इसी चक्कर में चली गई। अब ना अखिलेश यादव काम आ रहे न राहुल गांधी, बाबा से पंगा लेते ही नेहा की जिंदगी में तीन दिन में तीन बड़े तमाशे खड़े हो गए। ये है नेहा के पति हिमांशु, जो यूपी के हीड़ी पकड़िया गांव के रहने वाले, लेकिन दिल्ली में दृष्टि आईएएस में नौकरी करते थे। पर जैसे ही उधर नेहा को नोटिस मिला, इधर हिमांशु को कहा गया टाटा बाय बाय। आप अपने आप में लापरवाही बरत रहे हैं। बीते 10 दिनों से नोटिस करने के बाद संस्थान ने आपको रिलीव करने का फैसला लिया है, इसीलिए आप रिजाइन दे दें। दृष्टि आईएएस विकास दिव्य कीर्ति चलाती हैं, जिनका कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। कहते हैं हिमांशु ने भी यूपीएससी की तैयारी की थी और फिर राइटर की नौकरी करने लगी, पर अब पत्नी की वजह से नौकरी छूट गई। तीन दिन पहले जब कानपुर देहात पुलिस नोटिस लेकर नेहा के ससुराल पहुंची थी तो नेहा वहां पर नहीं थी। अब ससुर जी कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे, शायद सास जिंदा होती तो ताने दे रही होती। फिलहाल नेहा अपने पति के साथ दिल्ली में है, इसीलिए दूसरे दिन यूपी पुलिस दिल्ली नोटिस लेके पहुंची। तब नेहा ने उसे रिसीव किया, जिसका वीडियो अपलोड कर लोग निशाना साध रहे हैं। अखिलेश ने विधानसभा तक में ये कहा कि ये तो गलत हो रहा है, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोग गाए, कोई अच्छा गाना गा रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में काबा, आपने नोटिस दे दिया, यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री होऊंगा, मैं पहला हो सकता, अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। जिसका जवाब रवि किशन ने गाने से दिया, ये रवि किशन का ट्वीट है। वो लिखते हैं, विपक्ष आग के आन्हरबा, पलिहरे के बानरबा, यूपी देश के आसबा, विकास के प्रकाशबा। अब ध्यान से बजट सुने या योगी जी के नाम गुनी, यूपी में सब बा। जैसे चुनाव के वक्त बिहार में काबा और बिहार में सब बा पे लड़ाई चली, वही ट्रेंड फिर शुरू हो गया। पर नेहा को शायद ये नहीं पता कि कलाकारों की एक सीमा होती है। आप सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, सांसद विधायक सबसे पूछे, लेकिन सवाल पूछने और एजेंडा चलाने में फर्क होता है। योगी कैबिनेट के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने नेहा को सपा का एजेंट बताया है। उससे पहले जब बिहार में नेहा ने गाना गाया तो उन्हें आरजेडी का एजेंट कहा गया, लेकिन नेहा कहती है मैं इससे घबराऊंगी नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछती रहूंगी। हर दौर में ऐसे सवाल पूछने वाले खूब हुए हैं। जब इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई तब भी पत्रकारों से लेकर कलाकारों तक ने अपने कलम से उस दौर की कहानी लिखी, और आज ये हो रहा है। तो फिर ये कहना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, सही नहीं लगता। जो नेहा के समर्थक होंगे उन्हें शायद ये पता नहीं होगा कि कुछ कलाकार जाने अनजाने में ही पार्टी की प्रचार का हिस्सा हो जाते हैं, और उन्हें इसका एहसास तब होता है जब दूध की मक्खी की तरह काम खत्म होने के बाद उन्हें अलग कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है, नेहा किसी प्रचार तंत्र का हिस्सा है या फिर खुद की कलाकारी ही उनकी मुसीबत की जड़ बनती जा रही है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।